बुलेटिन की शुरुआत 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। और आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू में रोड शो करेंगे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुंछ और जम्मू में प्रचार करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजौरी में जनसभा को संबोधित करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सांबा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। जम्मू में रोड शो का कार्यक्रम जेपी नड्डा का है, वहीं पुंछ और जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी देखने को मिलेगी। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। सांबा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी देखने को मिलेगी। इसका साफ मतलब यह है कि स्टार प्रचारकों का आना लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस ने शनिवार देर शाम एमके भारद्वाज और पार्टी की महिला विंग की नेता भानु महाजन को अपनी जम्मू कश्मीर इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच की गई हैं। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारद्वाज और महाजन को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस ने अगस्त में तारिक हमीद कर्रा को अपनी जम्मू कश्मीर इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने विकार रसूलवानी की जगह ली थी। और कठुआ विधानसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने चुनाव प्रचार किया। कठुआ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर भारत भूषण के समर्थन में प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस बार आतंकवादियों का साथ देने वाले भी चुनाव में उतरे हैं। बीजेपी की विजय की शुरुआत कठुआ से ही होगी। मैं हर वर्ष 18,000 रुपया तेरे खाते में जमा कराऊंगा। कोई खैरात नहीं, कोई एहसान नहीं, अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी श्रद्धा की एक तो छिसी भेंट के रूप में। वहाँ दूसरी ओर वो कहते हैं कि 35 से हम हटाएंगे और अपनी बेटियों को अपनी जायदाद से बेदखल करेंगे ताकि अपनी बेटियों का हिस्सा भी हम खा जाएं। और ये धरती जो संस्कार और सनातन से ओत प्रोत है और जहाँ पर मातृशक्ति का एक प्रबल प्रभाव है, मुझे विश्वास है यहीं से वो प्रेरणा जागृत होगी। और इसलिए मैंने कहा कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा का प्रारंभ कठुआ की धरती। और गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र से उनकी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम हसन मीर द्वारा शुरू किए गए चुनाव अभियान में हर दिन बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। गुलाम हसन मीर ने तंगमर्ग के त्रान में चुनाव अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। गुलाम हसन मीर ने संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना की। मीर ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भी कहा कि पाकिस्तान को अपना देश बचाना चाहिए और हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारना चाहिए। और इज्जत तौर पर गुलाम हसन मीर नौजवान को ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे इसकी जिंदगी सुलझ जाए, बेहतर हो जाए, इसको रोजगार मिल जाए। आपके हरीफ इल्जाम लगा रहे हैं कि गुलाम हसन मीर ने जो डेवलपमेंट किया है वो सिर्फ यानी बातों तक महदूद है। आप जाएंगे देखेंगे गुलाम हसन मीर ने ही टंगबर्ग को तरक्की के नक्शे पर लाया। अगर टंगबर्ग पीछे रह गई वो इन यूपी है जिन्होंने बदलाव लाया था और बदलाव लाकर टंगबर्ग को यतीम कर दिया। मीर साहब, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने बयान दिया है कि कांग्रेस और एमसी का अलायंस जो है वो उनके हामी है। अपने मुल्क को बचाइए, हम चाहते हैं वो खुशहाल रहें, हमें अपने हाल पे छोड़े। हम जानते हैं हम यहाँ कैसे सर उठा के जिएंगे, इज्जत से जिएंगे और अच्छी तरह जिएंगे। आप खुदारा हमको अपने हाल पे रखें, आप अपने मुल्क को बचाइए। आपके मुल्क को खतरा है, हमें यहाँ कोई खतरा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस गुलमर्ग सीट से उम्मीदवार फारूक अहमद शाह का चुनाव प्रचार दिन रात चलता रहा है।
और लोग हर दिन इसमें शामिल हो रहे हैं। फारूक शाह ने लालपोरा कंजार में एक बड़ी रैली की जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बोलते हुए फारूक अहमद शाह ने गुलाम हसन मीर की आलोचना की। फारूक शाह ने कहा कि इस बार लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को सफल बनाने का फैसला कर लिया है। जो लालपुरा है ना, इज द बिगेस्ट विलेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और लालपुरा जो फैसला करता है वही होता है। लालपुरा के आवाम क्या फैसला करेंगे इस बार? लालपुरा इनने फैसला तो किया आपके सामने है। दे हैव डिसाइडेड टू वोट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, दे हैव डिसाइडेड टू सपोर्ट मी इंशाल्लाह। मीर साहब भी दावा करते हैं लालपुरा को, वो तो आपने कल देखा उसके कितने लोग जमा हुए थे। उन्होंने अपने साथ ही लाए थे 100 लोग। बाकी लालपुरा के उसमें जो लालपुरा के लोगों का कहना है कि बहुत ही कम तादाद, नॉट मोर देन 50 पीपल। यू सी द पल्स ऑफ द पीपल, यू सी दिस, इसीलिए वो घबराहट के शिकार घबरा गए हैं। लोगों का सैलाब देख के लोगों ने अपना एतमाद देने का फैसला किया है। कल तला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, और मैंने इनको वादा दिया है इन लोगों को कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाऊंगा। मैं इन नौजवानों को इज्जत का रोजगार दूंगा इंशाल्लाह। इनका मिशन है, मैंने हक में छोड़ी और लोगों की खदमत करने का जज्बा है मुझे, मैं इंशाल्लाह करूंगा, वो दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसकी क्या सियासत, वो क्या सियासत दानी दिखाएगा, ही इज अ फेल्ड पॉलिटिशियन। और पुलवामा में इस साल सेब उत्पादन में भारी गिरावट से किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस साल पुलवामा की मेगा फ्रूट मार्केट में सेब के दाम बेहतर देखे जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा में भी इन दिनों सेब तोड़ने का काम जोरों पर चल रहा है, जबकि पुलवामा का सेब उत्पादन में अहम महत्व है और इस साल सेब उत्पादन में 30-40% की कमी आई है। किसानों का यह मानना है कि फूल आने के दौरान मौसमी बदलावों के कारण सेब की फसल में कमी आई। जैसे ही फसल की कटाई होती है पुलवामा के मेगा फल बाजार प्रेचू में सेब की कीमतें बढ़ती देखी जा रही हैं। हालांकि फल उद्योग से जुड़े किसानों और व्यापारियों का ये कहना है कि ग्रेडिंग में सुधार किया जाना चाहिए और इस सीजन में परिवहन की कमी के कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। खराब कम मतलब फसल लोग कम इसलिए कम माल पोता 30% कम कम परस मगर मार्केटस मज ग्रेडिंग तन कहें ग्रेडिंग करान भरान रोल पाँचता मज पाँचता भरान तोरतनस मज तेरान वजन कम तपान आई रेट कम इस ग्रेडिंग बराबर करान पाँचता मज भरान तोरता मज भरान तेरह 14 किलो 14.5 किलो पाँचता वजन तेट ग असल मालस कट टू सास टू कट तम माल बहुत कम है तो, लेकिन इस वक्त एक प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट की वजह से जो ग्राहक हो यहाँ मंडी से माल उठाते हैं, चार पाँच दिन यहाँ से मंडियों से माल नहीं उठता है, और जब आगे जाता है तो ये यहाँ भी ख़राब होता है और आगे माल ख़राब निकलता है। इसीलिए दो दिन से मार्केट में थोड़ी नरमी 200 रुपये की कमी हुई है। पहले 1200, 1250, 1300 बिक रहा था, आज यही वही माल जो 1200 बिक रहा है आज वो 900 में बिक रहा है, तो यही प्रॉब्लम हो गई है। और सेना ने पुंछ के मेंढर के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 35 वर्षीय हसन शाह नामक एक पीओके निवासी को हिरासत में लिया है। उससे अभी कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। और रुकेंगे।